सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब हम लोगों के सिर्फ लास्ट दो टॉपिक बाकी, एक टाइप्स ऑफ प्लानिंग और एक एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, एक होता है स्टैंडिंग प्लान, एक होता है स्ट्रेटेजिक प्लान, एक होता है टैक्टिकल प्लान, एक होता है ऑपरेशनल, एक होता है सिंगल यूज और एक होता है कंटिजेंसी प्लान। छह प्लान होते हैं, ठीक है। सबसे पहले चालू करते हैं स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान रिप्रेजेंट गाइडलाइन फॉर डिसीजन इन रिपीटेटिव सिचुएशन, हैंड स्टैंडिंग प्लान कैन बी यूज रिपीटेटिवली। मतलब ऐसा प्लान जो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा है और ऐसी एक्टिविटी जो आप लोग डेली परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्टैंडिंग प्लान वो प्लान है जो आप रेगुलर बेसिस पे रिपीटेडली यूज करते हैं। जैसे कि यार मुझे पता है कि मुझे पूरे साल इस तरह से पढ़ाना है, जैसे 4 बजे 11th वालों को पढ़ाना है, 5 बजे 12th वालों को पढ़ाना है, तो ये क्या है, ये मेरा स्टैंडिंग प्लान है क्योंकि इसको मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करूँगी, तो दिस इज माय स्टैंडिंग प्लान। व्हेन देयर इज रिपीटेशनल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एंड द स्टैंडर्ड पॉलिसी आर डिसाइडेड फॉर फ्रॉम टेक्शन, इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान। ऐसा बोल रहे हैं जब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी अपन परफॉर्म करनी होती है, अपन ने उसके रिलेटेड क्या डिसाइड किया हुआ है, अपन ने उसके रिलेटेड क्या डिसाइड करके रखा है कि भाई इस तरह से अपन को एक्शन लेनी है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग प्लान बोलेंगे। पॉलिसीज मेथड्स एंड रूल्स आर डिसाइडेड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड इन प्लानिंग प्रोसेस। ऐसा बोल रहे हैं कि पॉलिसी क्या रहेगी, मेथड क्या रहेगी, रूल्स क्या रहेंगे, वो सब डिसाइड किया जाता है प्लानिंग करते टाइम। इट हेल्प्स अ सबॉर्डिनेट टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन रिगार्डिंग द रिलेटेड मैटर। इस वजह से जो भी सबॉर्डिनेट है वो प्रॉपरली डिसीजन ले पाता है जो भी मैटर है उसके रिलेटेड। एग्जाम्पल, प्रोसीजर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर ऑफ कस्टमर इफ क्रेडिट पॉलिसी डिसाइडेड बिफोर हैंड ऑन परमानेंट बेसिस, इट विल हेल्प द एम्प्लॉई टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन। नो एम्प्लॉय विल नीड द परमिशन ऑफ सुपीरियर रिगार्डिंग द सेम। ऐसा बोल रहे हैं कि अपन लोग सामने वाले को कितना क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं, क्रेडिट पीरियड मतलब समझते हो, उधारी पे कितने दिन तक अपन गुड्स दे सकते हैं। अगर वो पहले से डिसाइडेड रहेगा, जैसे मैं बोलूंगी कि 30 डेज का अपन क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं, तो एम्प्लॉय को बार बार आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक स्टैंडिंग प्लान है जो हर दिन रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता जाएगा। तो स्टैंडिंग प्लान ऐसे प्लान्स होते हैं जो अपन लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, रेगुलर एक्टिविटीज़ जो अपने बिजनेस में होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। आते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान्स पे। बिजनेस यूनिट डिसाइड द ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसॉफी। ऐसा बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर किसी भी कंपनी की क्या फिलोसॉफी है, उस हिसाब से हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। इट इज डिसाइडेड थ्रू विच फिलोसॉफी द बिजनेस यूनिट विल फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ। ऐसा बोल रहे हैं हम किस फिलोसॉफी को दिमाग में रखते हुए पूरी लाइफ टाइम काम करने वाले हैं, वो इस प्लान में डिसाइड किया जाता है। इट इज़ नोन एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव। और जो फिलोसॉफी अपन एक्सेप्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। For accomplishment of objective, long-term and short-term strategies are decided. A business unit decides its plan after consideration of its strength and weakness. ऐसा बोल रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अपन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज बनाते हैं, और फिर अपने जो प्लान्स होते हैं वो अपन लोग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे बनाते हैं। फोरसाइटनेस एंड एक्सपीरियंस आर एसेंशियल फॉर दिस प्लान। ऐसा बोल रहे हैं एक प्लान बनाते टाइम, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते टाइम, अपन का बोलते हैं ना दूर दृष्टि, मतलब फ्यूचर में देखने की कैपेसिटी और एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर सीन इन लॉन्ग टर्म। जो स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं ना वो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। कंसिस्टेंट डिसीजन लेने में हेल्प करवाती है। इट मीन्स स्कोप ऑफ डिसीजन इज इंपॉर्टेंट इन दिस प्लान। यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक प्लान है ना, इसमें किस एक्सटेंट तक डिसीजन लेना है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कोप ऑफ डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्लान के अंदर। थर्ड इज टैक्टिकल प्लान्स। For the accomplishment of business objective, short-term plans are prepared by the middle-level management. This is known as tactical plans. जो short-term plan middle-level management बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, tactical plans. These plans which are usually spend one year or less, ये एक साल से कम के plans होते हैं। This plan clarifies short-term objective. ये short-term objective को clarify करता है। Hence, business activity remain goal-oriented and take place in a systematic manner. इस वजह से जो business activity होती है वो goal के towards oriented रहती है और एकदम systematic manner में काम करती है। It is concerned with the departmental head employees must do. ये क्या है इसका, ये जो प्लान है ना इसका मेन कंसर्न क्या है कि भाई डिपार्टमेंटल हेड्स और उसके जो एम्प्लॉयज है उसको क्या काम करना है उसके साथ ये कंसर्न है। स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल्स आर नेसेसरी फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ, ये प्लान बनाने के लिए अपन को स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स की जरूरत है, उसके बिना ये प्लान नहीं बन सकता। ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान आर स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्टेड प्लान फ्रॉम द डिपार्टमेंट वर्क ग्रुप एंड इंडिविजुअल। ऑपरेशनल प्लान्स क्या है, ऑपरेशनल प्लान्स वो प्लान्स है जिससे हम लोग ये बताने की ट्राई करते हैं कि हम हमारे डिपार्टमेंट वर्किंग ग्रुप और इंडिविजुअल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं।
जनरली ये प्लान भी शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, मंथली क्वार्टरली, ठीक है। दिस प्लान्स आर मेड बाय डिपार्टमेंटल हेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान को मतलब ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो और छोटे छोटे प्लान्स बनाए जाते हैं ना, वो तुम्हारे क्या होते हैं, ऑपरेशनल प्लान। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ये मेनली किससे कंसर्न है, एम्प्लॉय से कंसर्न है, क्योंकि वो लोग रूटीन वर्क में इन्वॉल्व है। ऑपरेशनल प्लान इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू टेक्टिकल प्लान। ऑपरेशनल प्लान किससे सिमिलर है, टेक्टिकल प्लान जैसा ही है, बस यहाँ पे जो प्लान है ये कौन बनाता है, मिडिल लेवल बनाता है। यहाँ पे तुम्हारा जो है ऑपरेशनल लेवल रिलेटेड ये प्लान होता है, ये वाला प्लान मिडिल लेवल रिलेटेड होता है, ये तुम्हारा ऑपरेशनल लेवल रिलेटेड होता है। चलो आगे आते हैं। सिंगल यूज प्लान मतलब, सिंगल यूज प्लान मतलब जैसे कि तुम्हारी कंपनी के पास कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड तुम लोगों ने जो प्लानिंग की ना, वो तुम्हारे लिए सिंगल यूज प्लान होता है, ठीक है। अ प्लान, अ यूजफुल प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव। दिस प्लान इज मेड फॉर स्पेशल एक्टिविटी। जब ऐसे स्पेशल एक्टिविटीज आती है जो आप लोगों को एक ही बार मिलने वाली है, जो बोलते हैं पर्टिकुलर एक ही एक्टिविटी ऐसी आपके पास आई है अलग तरीके की, उसके लिए जब आप प्लान बनाते हैं तो वो होता है सिंगल यूज प्लान। कंटीजेंसी प्लान मतलब, कंटीजेंसी प्लान मतलब चेंजिंग सिचुएशन में आपका बिजनेस किस तरह से काम करेगा, उसको हम बोलते हैं कंटीजेंसी प्लान। मतलब जो चेंजिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल, सोशल और नेचुरल फैक्टर्स है, उसके बाद अपने बिजनेस में जो चेंजेस आएंगे उसमें हम लोग किस तरह से डील करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर कंटीजेंसी प्लान। तो हो गया तुम्हारा एक स्टैंडिंग प्लान, एक स्ट्रेटेजिक प्लान, एक टेक्टिकल, एक ऑपरेशनल, एक सिंगल यूज प्लान और एक कंटीजेंसी प्लान। अब आते हैं एलिमेंट या कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग बहुत इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में आपको बहुत सारे एलिमेंट कंसिडर करने पड़ते हैं। प्लानिंग ऐसे ही नहीं कि बस सोचा और हो गई, नहीं, प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अपन को ध्यान रखना पड़ता है। प्लानिंग को बनाते टाइम क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन ध्यान रखते हैं, वो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। हर बिजनेस काम करता है कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ गोल्स अचीव करने के लिए। वाइल डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, ऑल द फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस आर टू बी कंसिडर। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते टाइम एक बिजनेस को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वो डिसाइड करके रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी प्रैग्मेटिक, इट शुड नॉट बी ओवर एम्बिशियस। जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव हो ना, वो अचीवेबल होने चाहिए, वो ओवर एम्बिशियस नहीं होने चाहिए। सेकेंड, स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि भाई तुम्हारे जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए तुम लोग क्या काम करोगे, क्या किस तरह से जाओगे, वो तुम्हारा स्ट्रैटेजी में आता है। इट मेक द बिजनेस यूनिट केपेबल इनफ टू फेस कॉम्पिटिशन और टू सर्वाइव अगेंस्ट द अदर फैक्टर। ऐसा बोल रहे हैं, स्ट्रैटेजी की वजह से आप अपने कॉम्पिटिशन को ईजिली फेस कर पाएंगे। स्ट्रैटेजी यूज इन फील्ड लाइक आर्मी एंड स्पोर्ट्स। आर्मी एंड स्पोर्ट्स के फील्ड में भी स्ट्रैटेजीज ही अपन अडॉप्ट करते हैं, ताकि अपन सामने वाले के ऊपर क्या कर सके, एक अपर हैंड रख सके, अपन के पास एक एडवांटेज रहे, ठीक है। थर्ड इज पॉलिसी। डिसीजन एंड स्ट्रेटजीज आर डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव आर नोन एज पॉलिसी। क्या बोल रहे हैं, जो भी डिसीजंस और स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं मैनेजमेंट द्वारा ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके, उसको हम बोलते हैं पॉलिसी। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मुझे 10% डिस्काउंट देना है, तो ये 10% डिस्काउंट देना मतलब क्या था, मेरी स्ट्रैटेजी है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है, यही मेरी कंपनी की पॉलिसी है, इसको बोलते हैं पॉलिसी। पॉलिसी क्रिएट डिस्टिंग इमेज ऑफ बिजनेस यूनिट। पॉलिसी की वजह से लोगों के माइंड में एक अलग इमेज क्रिएट हो जाती है उस पर्टिकुलर कंपनी की। तो आया समझ पॉलिसी क्या होता है। मैथड्स या प्रोसीजर्स, मैथड्स, मेथड इज अरेंजमेंट फॉर कैरिंग आउट बिजनेस प्रोग्राम। जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसको आप किस तरह से कैरी करेंगे, आपकी क्या मेथड रहेगी, उसको काम करने का आपका क्या तरीका रहेगा, उसको हम बोलते हैं मेथड्स। स्ट्रेटजी डिपिक्स अरेंजमेंट ऑफ फेसिंग कॉम्पिटिशन। पॉलिसी गिव इन्फॉर्मेशन टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव वाइल मेथड रिफर्स टू बेस्ट वे ऑफ अकम्पलिशमेंट। देखो स्ट्रेटजी क्या बताता है कि अपन लोग किस तरह से कॉम्पिटिशन को फेस कर सकते हैं। पॉलिसी हमको क्या बताता है कि हम लोग किस तरह से ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। मेथड हमको क्या बताता है कि हम लोग किस तरह से बेस्ट वे में हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं, क्या मेथड रहेगी उसको अचीव करने की। अब बिजनेस यूनिट्स ट्राई टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स अवेलेबल ऑफ क्वार्टरली सेल्स। इट हेल्प्स टू रेज द चांस ऑफ सक्सेस। इन शॉर्ट मेथड रिफर टू द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। मेथड मतलब किसी भी पर्टिकुलर टास्क को बेस्ट वे में परफॉर्म करना, ठीक है। मेथड मतलब किसी भी पर्टिकुलर टास्क को बेस्ट वे में परफॉर्म करना। आगे आते हैं रूल्स।
Rules are necessary to accomplish the function of planning. Rules decide the procedure and gives a clear understanding. It ensures discipline among the employees. Rules मतलब बताते हैं कि अपन को इस ये काम करना है, मतलब इसी तरह काम करना है. आप लोग इसको, हमने ये procedure बोला है तो यही procedure आपको follow करना है. आप इसके अलावा कोई और procedure follow नहीं कर सकते. Rules के वजह से लोगों में क्या रहता है, discipline रहता है. जैसे कि एक rule है कि भाई working hours में आप mobile नहीं use कर सकते, working hour के time आप लोग smoking नहीं कर सकते. तो ये सब तुम्हारे रूल्स है. बजट मतलब बजट अपन को क्या हेल्प, क्या होता है, बजट अपन को पैसा देता है, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करवाता है और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करवाता है. अलग अलग टाइप के बजट होते हैं जिससे अपन लोग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, सेल का बजट, परचेज का बजट, कैश बजट. बजट अपन को अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कंट्रोल में रखने में और मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाने में हेल्प करवाता है. Program is a sequence of activity to be undertaken by business unit. If the work is done according to program, problem does not arise as an accomplishment of program. मतलब जिसके अंदर business का total सारी चीज़ें कि किस तरह से काम होगा, क्या पहले क्या काम होगा, second क्या काम होगा, third क्या. तुम बोलोगे दीदी method and program में क्या difference है. Method सिर्फ ये बताता है कि किस order में काम होगा. Program में हर चीज़ लिखी हुई होती है कि क्या objective रहेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, सारा. Program मतलब detail इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लानिंग. प्लानिंग का हर एक चीज़ ये तुम्हारे प्रोग्राम में बताया जाता है. द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट ओनली टू सी दैट वर्क कैरियड आउट अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम बट ऑल्सो कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड अलॉन्ग विद दिस टू टेक द करेक्टिव एक्शन इफ डेविएशन इज फाउंड. ऐसा बोल रहे हैं कि प्लानिंग का काम है कि भाई प्रोग्राम मतलब अपन ने जो सीक्वेंस डिसाइड किया है, सीक्वेंस मतलब भाई ये पहले ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव सेटअप करने के बाद अपन लोगों को इस तरह से काम करना है, इस तरह से काम करने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि काम अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर काम अच्छे से नहीं हुआ है तो क्यों अच्छे से नहीं हुआ है. तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर आती है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या है. ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, मेथड, रूल्स, बजट एंड प्रोग्राम. और तुम्हारे प्लान्स में क्या क्या है, स्टैंडिंग प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, टेक्निकल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, सिंगल यूज प्लान और कंटिजेंसी प्लान. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. कल अपन लोग मोस्टली या फिर स्टैट्स चालू करेंगे या फिर मैं तुम्हारे टेस्ट लेना चालू करूंगी.